दोस्तों आज हम करने वाले हैं Redmi 7 का डिसेंबलिंग और फोल्डर रिप्लेसमेंट। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए पूरा नॉलेज के लिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो एंड में एक लाइक भी कर देना। सो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रू रिपेयर, लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स आप मेरे हाथ में देख सकते हो Redmi का 7 जिसका स्क्रीन डिस्प्ले पूरा टूट चुका है, तो एक बार इसको ऑन करके आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पर ब्लू लाइट आ रहा है, तो इसका डिस्प्ले पूरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे Redmi का ब्रांडिंग भी देख सकते हो, ये Redmi का 7 है। तो किस तरह से इसको करना है आपको मैं आगे दिखाऊंगा, इसको फोल्डर कैसे चेंज करना है आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका नया वाला फोल्डर जो कि हम रिप्लेस करने वाले, ये ओरिजिनल नहीं है पर फास्ट कॉपी अच्छा क्वालिटी का आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो हमें बैक को ओपन करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक का बैक है, ये ग्लास बैक नहीं है, तो ये खोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक स्टील ओपनर जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये है एक स्टील ओपनर। और दूसरा एक चीज़ चाहिए जो फल्कन का स्प्रे आता है लिक्विड, वो आपको चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ चाहिए आपको जो कि है ये प्लास्टिक का टुकड़ा। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप एक छोर से इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए बैक को स्टील ओपनर की मदद से। उसके बाद दोस्तों ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है इसको आप अंदर डाल दीजिए इसको, उसके बाद स्टील ओपनर को रिमूव कर लीजिए। और अभी क्या करना है दोस्तों, जो फाल्कन का स्प्रे है वो थोड़ा थोड़ा करके इस प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर आप दे दीजिए, तो ये अंदर चला जाएगा और उससे क्या होगा जो गम है वो छोड़ता जाएगा, ये खोलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ पर ये अटक जाता है वहाँ पर आप थोड़ा सा फाल्कन का स्प्रे लगा दीजिए, तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों जो ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ये आपको 6D 11D जो टेम्पर ग्लास आता है उसके जो पैकेटिंग होता है वो पैकेटिंग के अंदर आपको मिलता है, तो वो अलग से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। जब भी आप टेम्पर ग्लास खरीदोगे तो उसके साथ आपको वो फ्री में मिल जाएगा। तो मैंने ये एक जुगाड़ किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सीबल है और पतला भी है, इससे आप चाहे तो फोल्डर भी खोल सकते हो और ये बैक पैनल भी खोल सकते हो, चाहे वो ग्लास का हो या प्लास्टिक का, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को ट्राई करना ज़रूर, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको धीरे से खोलना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसका अंदर पत्ता होता है तो वो कट सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एकदम साइड में से आपको खोलना है, धीरे से खोलना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे खुल चुका है, आप देख सकते हो जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है वो लंबा वाला पत्ता। तो उसके बाद दोस्तों सारे स्क्रू को हम खोल लेंगे, उसके बाद जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता कनेक्शन है उसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको कैसा करना है मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है, तो इसके साथ साथ जो इसका फिंगरप्रिंट का जो कनेक्टर है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे और इसको अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो बैटरी का कनेक्शन है उसको हम रिमूव कर लेंगे। और ये जो पत्ता आप देख रहे हो, एक है जो चार्जिंग का पत्ता और दूसरा है जो फोल्डर का पत्ता, तो इसमें आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर खोलने के बाद जो बैटरी है उसको रिमूव करना नहीं पड़ेगा, खाली बैटरी कनेक्टर को खोलिए आप। और ये पत्ता है ये बाहर से खुल जाएगा, फोल्डर का पत्ता जो नीचे जो होता है जगह साफ पीसी भी वहाँ से वो निकल जाता है, तो वहाँ का स्क्रू भी आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है, तो अभी हम फोल्डर को निकाल के इसके पत्ते को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से दोस्तों एकदम आराम से खोलना है ये फोल्डर क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हो ये आसानी से खुल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि उसमें कोई कांच का टुकड़ा या गम रह ना जाए। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो नया वाला फोल्डर है उसको एक बार चेक कर लेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, कोई दिक्कत है तो हम दूसरा वाला लगा देंगे बदल के। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप भी हमेशा जब भी लगाओ तो एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही इसको फिटिंग करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहा है टच पूरा, और डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस और जो कलर है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथली काम कर रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, टच बहुत ही अच्छा है।
तो दोस्तों ये चेक हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे स्विच ऑफ करके, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से आपको फिटिंग करना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, जो फ्रेम में गम लगा देंगे, जो खासकर फोल्डर के लिए आता है ये गम, तो ये चारों ओर आप एकदम पतला करके लेयर करके लगा देना। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा गम लग चुका है, तो हम इसे 10-15 सेकंड के लिए सूखने के रखेंगे, पूरा नहीं सूखना है, थोड़ा सा सूखना है, उसके बाद फिटिंग करोगे तो अच्छा फिटिंग आएगा, तो इसलिए हम इसको 10-15 सेकंड रख देंगे। ठीक है, और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो नया वाला फोल्डर है उसके जितने भी स्टिकर्स वगैरह है उसको हम हटा देंगे, उसको एक बार रेडी कर देंगे ताकि वो आसानी से फिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, अभी ये गम भी थोड़ा सा सूख चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको फिटिंग कर देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो ये पत्ता है कनेक्टर उसको हम इन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ओर से आपको धीरे से लगाना है, एकदम धीरे से हल्का हाथों से एकदम नीचे की ओर जाना है, इसको एकदम हल्का सा प्रेस कीजिए, इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत कीजिएगा, उससे उसका लेंस टूट सकता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये जो पत्ता है इसको हम उसके जगह पे लगा देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, बैटरी कनेक्टर को भी लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो नीचे का साफ पीसीबी है उसको हम अपनी जगह पे बिठा देंगे, जहाँ पे स्पीकर ग्रिल होता है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जो ऊपर का कवर है तो उसको भी हम लगा देंगे अच्छी तरह से। तो उसके लिए पहले तो दोस्तों जो बैक कवर है उसका सेंसर पत्ता को कवर के अंदर से इन करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा अलग है दूसरे जो मोबाइल से, उसमें क्या होता है कवर आगे लगता है, उसके बाद जो बैक कवर लगता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कवर के अंदर से जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता जाता है, और पहले तो आपको फिंगरप्रिंट का कनेक्टर लगाना होगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको कनेक्टर को लगाना है। उसके बाद पूरे जो कवर को लगा के उसको सारे स्क्रूप लगा दीजिए आप अच्छी तरह से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों ये सारे स्क्रूप लग चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे बैक कवर को लगाएंगे। उसके लिए आप गम का यूज कभी मत करना, तो एक डबल टेप आता है ये वाला, तो ये आप चारों ओर स्क्वायर में लगा दीजिए, दाएं बाएं एक एक और ऊपर और नीचे एक एक लगा दीजिए। तो ये जो डबल टेप है ये बहुत ही अच्छा है, तो ये आप लगा सकते हो, ये आप बैटरी के नीचे भी लगा सकते हो अगर बैटरी को कभी भी चिपकाना हो तो। तो इससे क्या होता है ये अच्छी तरह से चिपकता भी है, बैक हो या बैटरी हो, और ये जो है ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ये नुकसान नहीं करता है। अगर आप कभी भी गम लगाओगे जो ग्लू आता है, तो उससे क्या होता है कभी भी बैटरी ख़राब हो जाता है, और बैक कवर में लगाओगे तो बैक कवर का जो कलर होता है जो नीचे से वो निकल जाता है जब दोबारा आप खोलोगे कभी भी, और खोलने में भी दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये जो टैप है एकदम हार्ड नहीं है और अच्छी तरह से चिपकता भी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो आपके पास ये होना चाहिए ज़रूर, और मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए तो आपको लगाने में आसानी होगी। ये क्या कोई भी सेट आप लगा सकते हो, कोई भी बैक कवर हो, ग्लास या प्लास्टिक का बैक कवर हो, आप लगा सकते हो इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा लग चुका है गम, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बैक कवर को चिपका देंगे, इसमें बड़े प्यार से इसको चिपकाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से बैठ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, जो रबर आता है ये वाला, ये आप फोल्डर में अच्छी तरह से बांध लीजिए, 2 या 3 राउंड आप लगा सकते हो, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है जो फोल्डर का लेंस है वो टूट सकता है, उसका रिक्स रहता है, तो आप ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, एकदम हल्के हाथों से लगाइए। ये इससे क्या होता है, जब आप ये 10 मिनट के लिए रख सकते हो, 10 मिनट के बाद जब आप खोलोगे देखना कितना बढ़िया तरीके से ये फिटिंग होता है और अच्छी तरह से फ्रेम के साथ चिपक जाता है ये फोल्डर। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, ये फिटिंग करने के बाद सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको देखने में कैसे आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले वगैरह सब ठीक है। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल में इस तरह का बहुत सारा और भी वीडियो है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वंदे मातरम।